हाय गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग है गुजरात में। इसके अलावा हमारे भारत के जो 4 धाम हैं उनमें से एक धाम है गुजरात में। तो इस वीडियो में मैं आपको गुजरात में स्थित 2 ज्योतिर्लिंग और साथ ही साथ एक धाम, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो, कैसे घूम सकते हो, दर्शन कैसे कर सकते हो, क्या आपका टूर प्लान होगा, आपका बजट क्या होगा, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग गुजरात में है उनके नाम क्या है। तो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जो कि सबसे पुराना है और सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 9वां ज्योतिर्लिंग है। और हमारे भारत के जो 4 धाम है वो कौन कौन से हैं और किस स्टेट में है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नॉर्थ से। नॉर्थ में है बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और इसे सतयुग का धाम माना जाता है। उसके बाद आता है रामेश्वर, जो कि तमिलनाडु में, इसे त्रेतायुग का धाम माना जाता है। उसके बाद है द्वारका, जो कि गुजरात में है, इसे द्वापरयुग का धाम माना जाता है। उसके बाद है जगन्नाथपुरी, जो कि ओडिशा में है और इसे कलयुग का धाम माना जाता है। तो पहले मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टूर प्लान बताऊंगा डे वाइज, उसके बाद मैं आपको डे वाइज बजट भी बताऊंगा। तो अभी मैं आपको टूर प्लान बताता हूं डे वाइज, या फिर आप बोल सकते हो आइटनरी बताता हूं डे वाइज। तो हम अपनी यात्रा को आरंभ करने वाले हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से। तो आप जहां पर भी रहते हो आपको आ जाना है वेरावर रेलवे स्टेशन। तो वेरावर रेलवे स्टेशन के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी, हमारे भारत के बहुत सारी जगह से आपको मिल जाएगी, अच्छी कनेक्टिविटी है। तो आप वेरावर रेलवे स्टेशन आ जाइए और वहाँ से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है सोमनाथ का मंदिर। तो वहाँ से आपको ऑटो बीटो मिल जाएगा जो आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग छोड़ देगा। सोमनाथ आप पहुँच गए तो सोमनाथ मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, बजट स्टे भी मिल जाएगा, लग्जरियस होटल भी मिल जाएगा, धर्मशाला भी मिल जाएगा। तो आपको जिस टाइप का स्टे चाहिए वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप होटल ले लीजिए, उसके बाद आप फ्रेश हो जाइए और आप सीधे चले जाइए सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हमारे भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है और यह काफ़ी खूबसूरत है ज्योतिर्लिंग। और अंदर अलाउड नहीं है कुछ भी, मोबाइल और जो भी सामान में कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ आप पर्स लेके जा सकते हो। तो जाइए दर्शन कीजिए, आपका 1 या 2 घंटे में आपका दर्शन हो जाएगा। और डिपेंड करता है कि आप कौन से दिन जाते हो, वीकेंड में जाओगे तो आपको 2.5 या 3 घंटा भी लग जाएगा, नॉर्मल डेज में आपका 1 घंटे में दर्शन हो जाएगा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप एक वहाँ पर ऑटो बुक कर लीजिए, ऑटो वाला आपसे 300 या 400 रुपये लेगा और सोमनाथ के आसपास के जितने भी प्लेसेस है जो काफ़ी नज़दीक में है वो सब आपको घुमा देगा। तो सबसे पहले आप चले जाइए बाणगंगा। तो बाणगंगा वही जगह है जहाँ से जरा नाम का जो शिकारी था उन्होंने कृष्ण भगवान जी को तीर मारा था, वही जगह है। और वहाँ पर शिवलिंग भी है जो ऐसा कहते हैं कि स्वयंभू, यानी कि वो स्वयं प्रकट हुए। तो आप जाइए दर्शन कीजिए, उसके बाद आप चले जाइए भालका तीर्थ मंदिर। तो ये वही जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान जी पेड़ के पीछे छुपे हुए थे और जहाँ से उनका सिर्फ उनका पैर दिख रहा था, और जब जरा शिकारी ने तीर मारा तो उनके वो पैर पे जो नीचे वाला हिस्सा रहता है वहाँ पर लग गया था और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि कृष्ण भगवान जी ने अपना वहाँ पर देह त्याग किया था और वो वैकुंठ लोक में चले गए थे। वहाँ पर काफ़ी सुंदर मंदिर बना हुआ है और वहाँ पर वो पेड़ भी है जो उस टाइम का था, वो पेड़ को काटा नहीं है। इसके बाद वापस आ जाइए सोमनाथ की तरफ और वहाँ पर आप अहिल्याबाई का मंदिर है, अहिल्याबाई होलकर मंदिर है, उनका भी आप दर्शन कर सकते हो, भी आप विजिट कर सकते हो। उसके बाद आप चले जाइए राम मंदिर। तो राम मंदिर भी एक जगह है जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है, काफ़ी सुंदर ये मंदिर है, तो ये मंदिर भी आप जरूर विजिट करना। उसके बाद आप चले जाइए त्रिवेणी संगम देखने के लिए। तो त्रिवेणी संगम यानी कि यहाँ पर 3 नदी का मिलन होता है, 3 नदी है हिरण, कपिला और सरस्वती, ये 3 नदी का मिलन होता है। बोट से आपको जाना पड़ता है, बोट वाला आपसे 30 रुपया पर पर्सन लेता है। उसके बाद आप चले जाइए सूर्य मंदिर देखने के लिए। तो सूर्य मंदिर देखिए, क्योंकि सूर्य भगवान जी के काफ़ी कम मंदिर हमको देखने को मिलते हैं, तो सूर्य मंदिर देखिए, दर्शन लीजिए। उसके बाद आप चले जाइए हिंगलाज माता गुफा, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे दर्शन कीजिए, वो भी आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद घूमते घूमते शाम हो जाएगा तो आप आ जाइए सोमनाथ बीच। तो सोमनाथ बीच में आप जाइए, 10 रुपया पर पर्सन आपको एंट्री देना पड़ता है। शाम को वहाँ पर सनसेट देखिए, वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, वो भी आप इंजॉय कर सकते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसी के साथ आपका डे 1 ख़त्म हो जाएगा। डे 2 को आप जितना हो सकता है उतना जल्दी सुबह उठिए और फ्रेश हो जाइए, रेडी हो जाइए, और आपको जाना है सोमनाथ से द्वारका बस पकड़ के। तो सोमनाथ से द्वारका का डिस्टेंस लगभग 235 किलोमीटर के आसपास है और बस से आपको लगभग 6 घंटे लग जाएंगे। बस आपको रेगुलर इंटरवल पे मिल जाएगी, गवर्नमेंट की बस, गुजरात गवर्नमेंट की, वो आपको 6 घंटे में वहाँ पर छोड़ देगी। तो द्वारका पहुँचने के बाद वहाँ पर भी आपको होटल लेना है, वहाँ पर भी आपको हर एक टाइप का होटल मिल जाएगा, लग्जरियस, बजट, धर्मशाला सब मिल जाएगा। तो होटल बुक कीजिए और सामान रख के आप सीधा चलिए
द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कीजिए, और यहाँ पर भी अलाउड नहीं है कुछ मोबाइल विवाइल वो सब, तो वो सब आपको जमा करना पड़ेगा। फ्री में आपको लॉकर रूम की सुविधा मिल जाएगी सोमनाथ में भी। द्वारका दर्शन करने में 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस दिन आते हो। उसके बाद आपको जाना है गोमती रिवर। द्वारकाधीश मंदिर के पीछे ही रिवर है जो कि गोमती रिवर है। वहाँ पर आपको गोमती बीच मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, ऊँट सफारी होती है और घोड़े की भी कुछ होती है सफारी, और वहाँ पर आपको बोटिंग भी करने को मिल जाएगा, बोटिंग भी कर सकते हो। और गोमती रिवर पार करके आप उस साइड जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको पांडव कुआं, 5 पांडव कुआं देखने को मिलेगा, जहाँ पर हर एक कुएं में अलग अलग नदी से पानी आता है, वो देखने को मिलेगा। फिर वहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वो भी आप देख सकते हो। वहाँ पर राम नाम का तैरता पत्थर भी है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप ऑटो बुक कर लीजिए और 3 से 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर चले जाइए रुक्मणी टेम्पल को देखने के लिए। तो जाइए दर्शन कीजिए माता रुक्मणी के, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद आप आ जाइए भड़केश्वर महादेव मंदिर। तो बेसिकली ये सनसेट पॉइंट है एक तरीके से, और यहाँ पर बहुत ही बड़ा शिवलिंग बनाया गया है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और ये बेसिकली सनसेट पॉइंट है, तो शाम को ही आपको यहाँ पर आना है, यहाँ से आपको काफ़ी खूबसूरत सनसेट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आपका डे 2 ख़त्म हो गया। तो डे 3 को हमको द्वारका से थोड़ी की दूर दूर की प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है घूमने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्कूटी मिल जाती है रेंट पे, जिसका प्राइस होता है 500 से 600 रुपया, वो डिपेंड करता है सीजन के ऊपर। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर द्वारका दर्शन की बस भी रहती है, वो भी आप बुक कर सकते हो, और यहाँ पर आप कार भी बुक कर सकते हो अगर आप चाहे तो, फैमिली के साथ आया हो तो। उसके अलावा आप यहाँ पर ऑटो भी बुक कर सकते हो अगर आपको ऑटो बुक करना है। इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगता है वो आप यूज़ कीजिए। सबसे पहले हमको जाना है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि द्वारका से लगभग 16 किलोमीटर के आसपास है। तो जाइए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन कीजिए, यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटे में आपका दर्शन हो जाएगा। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है हमारे भारत का 9वां ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग में से, और यहाँ पर शंकर भगवान जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है, तो आप बहुत सारे फोटो ले सकते हो। उसके बाद आपको जाना है गोपी तालाब। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से थोड़ा सा आगे बढ़ता है गोपी तालाब, और वहाँ पर आपको चंदन मिलेगा, गोपी चंदन, वो भी मिलता है वहाँ पर 10 रुपये का आई थिंक, तो आप वो खरीद सकते हो। उसके बाद आपको जाना है बेट द्वारका। द्वारका से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है बेट द्वारका, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जाने के लिए आपको बोटिंग से जाना पड़ता है, बोटिंग का चार्जेस होता है पर पर्सन 30 रुपया आई थिंक होता है पर पर्सन, वो आपको बोट से उस पार लेके चले जाएगी बेट द्वारका। वहाँ पर भी द्वारकाधीश मंदिर है, वो भी आप दर्शन कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पर एक सोने की द्वारका करके बनाया गया है, तो वहाँ पर जाइए, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एंट्री फी कुछ 40 रुपया है, तो सोने की द्वारका देखिए, बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई है, वो देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद बेट द्वारका में हनुमान भगवान जी और उनके बेटे का भी मंदिर है वहाँ पर, वो भी आप देख सकते हो। तो इतना सब करने के बाद लगभग शाम होने आ जाएगा, और आप सीधा चले जाइए उसके बाद शिवराजपुर बीच। तो शिवराजपुर बीच काफ़ी क्लीन बीच है, और इसको ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा दिया गया है, और यहाँ पर आपको कुछ 30 रुपीज़ एंट्री फी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे कि बनाना राइड, बोटिंग बीटिंग, जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है हर बीच पर, वो आप चाहे तो कर सकते हो। और इसी के साथ आपका डे 3 ख़त्म। तो अभी मैं आपको डे वाइज खर्चा बताता हूँ, और मैं जो खर्चा बता रहा हूँ, मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि अगर आप अकेले इस ट्रिप को करते हो तो आपको कितना खर्चा होता है। तो सबसे पहले विरार रेलवे स्टेशन से आपको जाना है सोमनाथ बाय ऑटो करके, जिसका 200 रुपया होता है। उसके बाद आपको होटल बुक करना है, होटल का मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 600 से 700, मैं 700 रुपया पकड़ लेता हूँ मैक्स। तीसरा खर्चा होता है, वो होता है आपका पूरे फूड का, पूरे दिन का आपका फूड का खर्चा होता है, जो कि होता है लगभग 400 रुपया। उसके बाद आपका जो खर्चा आता है वो पूरा घूमने का, सोमनाथ घूमने का बाय ऑटो, इसका खर्चा होता है लगभग 300 या 400 रुपया, तो मैं 300 रुपया पकड़ लेता हूँ। तो डे 1 का खर्चा हो जाएगा आपका लगभग 1400 रुपये के आसपास। अभी बात करते हैं आपके डे 2 के खर्चे की। तो डे 2 को सबसे पहले आप बस पकड़ के सोमनाथ से जाओगे द्वारका, तो उसका कुछ टिकट प्राइस आपका होएगा मैक्स टू मैक्स 300 रुपया। उसके बाद आप होटल वहाँ पर बुक करोगे तो उसका जाएगा आपका 700 रुपया। उसके बाद आप वहाँ पर दिन का पूरे खाने का आपका जाएगा 400 रुपया, ठीक है। और उसके अलावा आप जब रुक्मणी टेम्पल और भड़केश्वर महादेव टेम्पल विजिट करने के लिए ऑटो बुक करोगे तो उसका भी मेरे ख्याल से मैक्स 300 रुपया जाएगा। तो आपका डे 2 का खर्चा होएगा लगभग 1700 रुपये से लेकर 1800 रुपये के आसपास। अब बात करते हैं डे 3 के खर्चे की। तो डे 3 को क्योंकि हमको दूर जाना है, तो उसके लिए आप, मैंने जैसा कि आपको बोला था, या तो आपको स्कूटी बुक करना पड़ेगा या तो फिर आपको कार भी बुक करना पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने स्कूटी रेंट पे लिया, तो स्कूटी रेंट का प्राइस होता है 500 रुपया, और मैक्स पेट्रोल आपका जाएगा 300 रुपये के आसपास, यानी कि 800 रुपये आपका ट्रैवलिंग का खर्चा होगा। और दूसरा खर्चा होगा आपका होटल का, होटल आप वापस से लोगे ना एक दिन, तो होटल का होगा 700 रुपया।
नेक्स्ट खर्चा है आपका फूड का, जो कि होगा लगभग 500 रुपया, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर आप जो बोटिंग करके जाने वाले हो द्वारका से बेट द्वारका, उसका होता है लगभग आने जाने का 60 से 70 रुपये में पकड़ लेता हूँ, तो इतना खर्चा होता है आपका। डे थ्री का लगभग आपका खर्चा होता है 2300 रुपये के आसपास। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैंने आपको डे वाइज खर्चा दिखाया है, ये मैक्स मतलब बजट है, इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होने वाला है। अगर आप दो लोग होते हो तो आपका खर्चा थोड़ा डिवाइड हो जाएगा ट्रैवलिंग में, होटल में और मे बी फूड में भी, तो आपका पर पर्सन और कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप खुद की गाड़ी से ही पूरा टूर कर रहे हो तो आपका पेट्रोल का खर्चा जाएगा और बाकी होटल का और फूड का खर्चा तो नॉर्मली उतना ही रहने वाला है। तो ये आपका बजट है 3 दिन का, सोमनाथ, नागेश्वर और द्वारका। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा आपको पूरा घूमने के लिए, आपको आइटनरी मिल गई रहेगी अच्छे से, सब पता चल गया रहेगा। अगर इन्फॉर्मेशन मिला है, हेल्प हुआ है इस वीडियो से, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दो। अभी चलता हूँ, जल्द मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।